हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज 6 नवरात्र है तो फास्ट रखा है। हमारे यहाँ अष्टमी पूजन होता है तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर, आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के। और हमारे कैंपस में श्री राजा राजेश्वरी स्मिता चंद्र मौलेश्वर स्वामी जी का मंदिर है तो आपको दर्शन कराते हैं। और ये हम मंदिर पहुंच गए हैं। अब हम करेंगे पहले हैंड वॉश और उसके बाद अंदर जाएंगे। बड़ा मन लगता है मंदिर जाके, अलग ही शांति और पीस मिलता है ना। हाँ आ जाओ चलो। और ये है माता श्री 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 राजा राजेश्वरी, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये जो फ्लावर्स से श्रृंगार होता है ये मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ये सिंदूर रखा हुआ है जिससे आप टीका कर सकते हो खुद ही। साउथ में मंदिर के अंदर जाना अलाउ नहीं करते हैं, बस आप बाहर से दर्शन कर सकते हो। जो आपको श्रद्धा में जो भी चढ़ाना है वो आप पंडित जी को दे दीजिए और वो जो है पूजा अर्चना करने के बाद आपको लौटा देंगे। और ये नंदी जी है सामने हैं आपके, हमारे उसमें भोलेनाथ जी बोलते हैं पर ये वैसे यहाँ पे चंद्र मौलेश्वर स्वामी है। ये भी भगवान भोलेनाथ जी के ही हाँ अवतार थे, चंद्रमौलेश्वर स्वामी जी। ये उनका मंदिर है यहाँ पे। इनको जो ड्रेस पहनाते हैं ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है। काफी अच्छी तरीके से श्रृंगार किया हुआ है भगवान भोलेनाथ जी का और भी। यहाँ पे मैं नंदी जी के कान में अपनी बात बोल रही हूँ। ऐसा बोला जाता है कि एक साइड से आप नंदी जी के कान में बोलो और दूसरी साइड से कान को बंद करो तो डायरेक्ट बात भोलेनाथ तक पहुँच जाती है, क्योंकि नंदी जी फेवरेट थे भोलेनाथ जी के, है ना। ऐसे ही है ना, नंदी जी भोलेनाथ। नहीं वो एक्चुअली में हुआ क्या था कि नंदी जी के ऊपर कुछ वो हो गया था, किसी ने वार कर दिया था तो नंदी जी उससे वो हो गए थे, मतलब आघात हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। ठीक है, तो उसके बाद से फिर भगवान भोलेनाथ ने ये बोला था कि जो मतलब आपकी आपके थ्रू आएगा ना तो वो मतलब डायरेक्टली मेरे तक आ हाँ जाएगा। मेरे तक आएगा, ऐसी प्रथा मानी तुमने जाती तो बहुत देर तक बहुत सारी बातें करी हैं। है। और यहाँ पे ना मंदिर में कोई पूजा हो रही थी, आई एम नवरात्र सॉरी कि कोई मतलब मुझे नहीं पता कि ये पूजा क्या आती है ना, मैं पूछ पाई हूँ। पर यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी लेडीज़ हैं और ये इस तरीके से स्टूल पे रख के ना प्लेट्स में पूजा करती है माता रानी की। और एक गणेश जी की पता है बहुत सुंदर, सभी भगवान जी, साईं बाबा जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं। सही बाबा जी। और ये हवन कुंड है जहाँ पे हवन होता है डेली, यहाँ पे हवन होता है डेली, काफी पॉजिटिविटी आती है ना हवन से। साई बाबा जी का मंदिर, ओम साई राम, श्रद्धा सबूरी, बहुत सुंदर है भाई ये। यहाँ पे ये सब कुछ चांदी का है, किस चीज का है? ये चांदी में है। ओ माय गॉड, चांदी तो येलो कलर की हो जाती है ना लेकिन उसकी वो की जाती है डेली, ना। अच्छा साफ करने के लिए। और सेवा भी तो होती है ना डेली, ये भी तो है ना। चरण बहुत सुंदर, आप देख रहे हो दरवाजे पे कितनी प्यारी नक्काशी है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है यार। बजरंग बली मैंने ना, ये देखोगी 5 मुखी बजरंग बली है ना, ये 5 मुखी थे बजरंग बली। और ये गणेश जी और जिस स्टाइल से टीका करते हैं बहुत ही खूबसूरत, ये नवग्रह है। नहीं।
शनि शुक और पता नहीं। यहाँ पे पूजा हो रही है, सब लोग बैठ गए हैं पूजा करने के लिए, रेडी हैं। और अब चलते हैं दूसरे, अब कृष्ण जी का दर्शन करने जाते हैं ना, कृष्ण जी भी और एक और है ना, शनि महाराज, कृष्ण जी, शनि महाराज, सूर्य देव, ये कौन से भगवान जी है? श्री कृष्ण जी, राधा जी। ये शनि है और ये सूर्य देव है, और ये हमारे भोले से राधा कृष्ण जी के, कृष्ण जी, राधा जी नहीं है ना यहाँ पे, कृष्ण जी बहुत सुंदर है, ये नाग देवता। और अब हमारे दर्शन हो गए, हम लोग घर जा रहे हैं। और यहाँ घर जाते जाते हम चले गए थे पार्क में, और आज जिनका मन कर रहा है झूलने का तो ये जा रहे हैं झूलने के लिए, जो अक्सर मेरा काम हुआ करता था, इनको बहुत शौक है। तो साफ वाले में चले जाओ ना थोड़ा, अरे सिर लग जाएगा, इस चीज का अलग ही मजा है। सबसे ज्यादा इस वाले में मजा आता है मेरे को भी, इसमें ही मजा आता है मुझे भी। पार्क आए और ये झूला ना झूले, ऐसा हो नहीं सकता। और मेरे हाथ में ये प्रसाद है और मेरा मन कर रहा है खाने का, पर मेरा है फास्ट और मैं खा नहीं सकती हूँ, और मैं अभी सोच ही रही थी कि मैं खा जाऊँ। तेज तेज, तुम तो खा सकते हो भाई अपना प्रसाद, अरे कौन सा लोअर पहन के आए हो, नया सा बढ़िया लग रहा है, पैंट है, ट्राउजर है, लोअर है, लोअर कहाँ छुपा रहे, कदा ये मेरे हाथ के नहीं लगा, अच्छा है 4x का है, इसकी पॉकेट बहुत बेकार है, अच्छा फोन के हिसाब से ठीक नहीं है, क्या कह रहे हो भाई, कॉपीकैट पहुंच गए, अच्छा भाई सही में कॉपीकैट हो बिल्कुल, उनको भी बोलना जरूरी था, और ये धूप बहुत तेज हो रही है, झूला झूल लिए और अब हम लोग जा रहे हैं घर, और आपसे मिलते हैं घर जाके। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये दो पार्सल आए हैं मिंत्रा से जो कि मैंने किए थे, और आज फास्ट है तो फास्ट के लिए माता रानी ने मुझे गिफ्ट दे दिया है, उसमें सिर्फ पर्स होगा, उसमें शूज है, पहले शूज खोलो, शूज देखते हैं पहले, तो आपको दिखा दूँ मैंने कौन से शूज ऑर्डर किए थे। ये है रेड टेप के शूज, मैं फर्स्ट टाइम रेड टेप पहन रही हूँ, मतलब मैंने पहनने के लिए रेड टेप ऑर्डर करा है, मैं देखती हूँ अगर ये मुझे कंफर्टेबल लगे तो ही मैं इनको रखूंगा ना वापस कर दूंगी, आज ही ऑर्डर आया है, जैसे देखे थे वैसे ही है क्या? तो वैसे सही रहा है, सही है, मतलब उसमें देखने में मुझे थोड़ा ज्यादा और क्लासी लग रहे थे, ये लुक ऐसे मुझे ज्यादा पसंद नहीं आगे से जो पॉइंटेड होता है, पर ठीक है मैं पहन के देखती हूँ, कलर तो अच्छा है ये,
एक ये चेन है, ठीक है। आप इसमें अपने चिल्लर पार्टी रख सकते हो या फोन भी रख सकते हो। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये डिजाइन है। डिजाइन है, ओके। और बस बाहर की साइड में कोई चेन नहीं है क्या? बाहर तो कोई चेन नहीं है। नाम क्या है इसको? ठीक है, ये है लिनो पेरोस। ओके, दिखने में तो अच्छा लग रहा है यार। ठीक है, मतलब प्रोफेशनल भी लग रहा है। हाँ, मतलब जिस हिसाब से इसमें पॉकेट कम है, 1200 रुपए में क्या लेंगे, बच्चे की जान थोड़ी लेंगे। ठीक है यार, मेरे को मेरा मनपसंद वाइट कलर में पर्स मिल गया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई। और अगर इसको ऐसे कैरी करूं पार्टी वेयर के लिए भी यूज कर सकती हूं इसलिए। हां, ये भी सही लग रहा है, ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये हर किसी ड्रेसेस पे चलेगा। अगला बैग लूंगी माइकल कोरस का, एमके का लूंगी अगला बैग। पैसे जुटा लू उसके लिए। पैसे कैसे जुटते हैं? पैसे जुटते हैं मेहनत से। अच्छा, जो कि हम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? ऑनेस्टली बताओ। अच्छा लग रहा है। देखो, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, जो मेरे पास पर्स है उससे तो बेटर हो ही नहीं सकता ये। पर ये है कि हाँ, काम चलाओ सही है। वो कौन सी कंपनी का है? वो रेड ड्रैगन का है। वो अच्छा है काफी। एक चार्ल्स कीथ का है। अच्छा, तो भी अच्छा है। ठीक है, मतलब
सबसे बड़ी बात इसकी मुझे जो अच्छी लगी वो ये है कि आप किसी भी वेस्टर्न वियर पे डाल लो, किसी भी एनी वेस्टर्न वियर, इट विल गो विद एवरी वेस्टर्न वियर। एथनिक में भी आप ट्राई कर सकते हो, बस वेस्टर्न में तो मैं गारंटेड बोल सकती हूँ कि ये आप किसी भी ड्रेस से पहन लो ही जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो अच्छा है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि इनमें से कुछ आइटम है जो मेरी अभी आनी है, तो मैं इसमें से क्रॉस आउट कर देती हूँ इनको भी जो आ चुकी है। तो जी पर्स आ चुका है क्रॉस, शूज आ चुके हैं क्रॉस, सैंडविच मेकर आ गया है, सैंडविचेस आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने बनाए हैं उससे, और कार के एक्सेसरीज बाद में। कल जाएंगे हम लोग कुछ सामान शॉपिंग करने के लिए और आपको दिखाएंगे कि हम क्या लेने वाले, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया तो कुछ तो बनता है ना। और कह रहे थे बाबू एक और चीज़ है जो यहाँ नहीं आएगी, कहीं और आएगी, कहीं और खाएगी, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब कमिंग वीक वाले ब्लॉग में। तो ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट हमारा सब चीज़ें इसमें हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नहीं, हाँ इधर से, तो ये भी आ चुकी है, ये भी आ चुके हैं, ठीक है। और वी आर वेरी हैप्पी कि नवरात्रों में हमारे सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं, गिफ्ट समझो यार, हमने ऑर्डर नवरात्रों से पहले किया था, ऑर्डर नवरात्रों से पहले कर दिया था, नवरात्रों में सारे सामान आए जा रहे हैं और अच्छे अच्छे काम हो इनसे, मैं यही विश करती हूँ। और आप अगर आप लोगों ने भी कुछ ऑर्डर किया है तो भगवान आपके भी सारे काम अच्छे अच्छे करे। और बस ये हमारे छोटा सा ब्लॉग था, हमने आपको सुबह दर्शन कराए हैं क्योंकि आज हमारा फास्ट है, तो दर्शन कराए हैं आपको मंदिर के दर्शन होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे। जो भी आपके विश है वो आप मांग लो, दोबारा से ब्लॉग देखो, जाओ और विश मांग लो, और हमारा ब्लॉग शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लाइक करो, सपोर्ट करो, वी आर वेरी न्यू टू दिस यूट्यूब, तो आपको सपोर्ट करना ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, बाय।